Kabaddi, Kabaddi, Go, Kabaddi, Hey, Kabaddi! तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। दोनों के बीच अब तक 3 मैचेस खेले गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि यूपी योद्धा ने ये सभी मैचेस जीते हैं, यानी कि दबंग दिल्ली आज तक एक बार भी यूपी योद्धा को हरा नहीं पाए हैं। तो क्या वो शुरुआत आज करने वाले चंद्रन रणजीत है रेड पर इस समय? CR66 सबसे कामयाब सपोर्ट रेडर है सीजन 7 में। नवीन कुमार ऑफ कोर्स टीम के सबसे बड़े स्टार हैं जो पहली रेड में नहीं गए हैं। रविंदर पहल द हॉक, पहली कामयाबी आज की रात। जबरदस्त फॉर्म में दिखा रहे हैं नवीन, बहुत ही जबरदस्त। नवीन को देखिए, सचिन वहां मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर पर, एंड लाइन से बाहर निकले, यानी कि यूपी को अब ऑल आउट से कोई बचा नहीं सकता। ऑल आउट के पॉइंट्स यहां दबंग दिल्ली के खाते में जुड़ेंगे। पूरा स्टेडियम गूंज उठा इस समय इस ऑल आउट के साथ ही। रविंदर पहल गए हैं, जोगिंदर का एंकल होल्ड जबरदस्त है। चंद्रन रणजीत घिर गए हैं, क्या मिड लाइन क्रॉस की है, करीब पहुंच गए थे। हाथ आया मुंह ना लगा। अब आपने पहले बोल दिया रणजीत कामयाब होंगे, ये लीजिए मैंने क्या कहा था। अद्भुत प्रदर्शन किया है नवीन ने, एक और सुपर 10 लगातार, 7वां सुपर 10 पूरा किया है। आप जानते हैं प्रो कबड्डी के 7 सीजन का इतिहास है 8 सुपर 10 लगातार लगाने का प्रदीप नरवाल का, और अब सिर्फ एक सुपर 10 दूर है उस इतिहास को टच करने में। नवीन यूनिशन को टच किया, बाहर किया, 11वां पॉइंट नवीन का, पूरी संभावना ऋषंक की तरफ से। दबंग दिल्ली के खेमे में ये मुश्किल का वक्त है। कितने पॉइंट्स, 2 या 3? मुझे लगता है ये सुपर रेड होनी चाहिए। सुपर से भी ऊपर की रेड है। सुपर टैकल का भी मौका है। मेन डिफेंडर अंदर सिर्फ एक है, अनिल, जो कि राइट कॉर्नर में है। CR66 को आउट किया। और यहां पर चंपा दिया मोनू ने, सुपर 10 लगा दिया है। यूपी के लिए सीजन 7 में किसी भी रेडर का ये पहला सुपर 10 है, और उनके सबसे कीमती खिलाड़ी ने, सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोनू गोयत ने ये सुपर 10 पूरा किया। रविंदर पहल को टच किया, इनफैक्ट वो टच नहीं हुआ, अनिल को उन्होंने जिस तरह से एस्केप रूट में साइड में धकेला। इस सुपर 10 की बड़ी शिद्दत से जरूरत थी मोनू को। नवीन पिछली रेड में बोनस और टच पॉइंट लेकर गए थे, इस बार क्या सुपर रेड है। बोनस की मांग है। 2 डिफेंडर तो आउट हैं ही। रविंदर पहल हाई फाइव पूरा। सीजन 7 में दिल्ली के किसी भी डिफेंडर का पहला हाई फाइव है, और ये काम द हॉक रविंदर पहल ने किया है। बिल्कुल, तो रविंदर पहल के टैकल्स देखिए, लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए आज दिल जीता है रविंदर ने। कुल मिलाकर 30, 8
टैकल किए उन्होंने, पांच उसमें कामयाब। यूपी योद्धा इस मुकाबले में संभवतः एक पॉइंट भी नहीं ले सकेंगे, लीग के लिए जो के अहम पॉइंट होगा। क्यों रुके हुए हैं श्रीकांत यादव? ये बड़ा सवाल है, घड़ी की तरफ ये क्यों देख रहे हैं? 9 पॉइंट का फासला है बंधु, 2 पॉइंट की ट्राई कीजिए। दिल्ली ने कमाल कर दिया है, दबंग दिल्ली वीवो प्रो कबड्डी के इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आई है। लगातार दूसरे होम मैच में जीत मिली है।